ई आधार डाउनलोड करने के लिए आपको UIDAI की पोर्टल पर जाना होगा। जैसे आप अपने ब्राउज़र में ये एंटर करेंगे, आपको गवर्नमेंट की ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपको इस तरह से अपने मोबाइल में शो होगी। ये एक मोबाइल व्यू है। अगर आप एक डेस्कटॉप व्यू देखना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र के राइट हैंड साइड पर सेटिंग वाले ऑप्शन से डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करके एक डेस्कटॉप व्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप व्यू का यूज़ करते हैं, आपको इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको शो होएगा गेट आधार का ऑप्शन। वहीं पर आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन भी शो होएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं, आपके सामने अगेन इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, जिसपे ये सबसे पहले आपसे 12 डिजिट का आपका आधार नंबर पूछेगा। आपको अपने आधार नंबर यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद आई वांट अ मास्क आधार का ऑप्शन है, चाहे तो आप इस पर टिक करिए, अदरवाइज इसे रहने दीजिए। आपको फिर कैप्चा कोड एंटर करना होगा। मास्क आधार का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने आधार नंबर जो भी आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे वो किसी को नहीं दिखाना चाहते, केवल लास्ट के 4 नंबर ही दिखाना चाहते हैं, उसके लिए मास्क आधार का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेंड OTP का एक ऑप्शन होता है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड करेगा। आपको अपना वो OTP इस बॉक्स में एंटर करना होगा। जैसे आप OTP एंटर करेंगे, उसके बाद आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपने पहले कभी आधार के लिए UIDAI की वेब पोर्टल पर कभी रीप्रिंट के लिए ऑर्डर दिया है। अगर आपने दिया है तो यस करिए, अदरवाइज आप इसे नो करिए। सेकंड क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने ऑर्डर दिया है तो कितने दिन में आपको रिसीव हुआ है। अगर आपने ऑर्डर दिया है तो आपके जो भी डेज थे यहाँ सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो ऑर्डर पे क्लिक करके आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपका ई आधार डाउनलोड हो जाएगा। ई आधार एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, यानी आपको इसको एक पासवर्ड के थ्रू ओपन करना होगा। पासवर्ड में आपके नेम के स्टार्टिंग के 4 लेटर्स कैपिटल में और आपका जन्म ईयर जन्म साल आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप ये दोनों एंटर करेंगे, आपका ई आधार आपके सामने ओपन हो जाएगा।